हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लोरिंग सोल पे। आज हम जा रहे हैं मनी ट्रांसफ़र करने। जो यहाँ पे जितने भी एक्सपैट हैं वो सभी करते हैं मनी ट्रांसफ़र। मीन्स दुबई से या यूएई से जब आप अपने कंट्री में मनी भेजते हैं तो जो मनी ट्रांसफ़र है वो प्रोसीजर क्या है, कौन से सेटअप पे आप कर सकते हो, ये सब आज हम देखने वाले हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो लेट्स गो। दुबई या यूएई से अगर आप पैसे इंडिया भेजना चाहते हो या किसी भी कंट्री में भेजना चाहते हो तो बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे इजी ऑप्शन है ऑनलाइन ट्रांसफ़र, बट एक बात का ध्यान जरूर रखें कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र में आप हमेशा करेंसी वैल्यू, जो आपकी कंट्री की करेंसी है उसकी वैल्यू जरूर चेक कर लें। बिकॉज कई बार होता है कि हम जब एक्सचेंज से करवाते हैं तो वो हमें बेटर ऑप्शन देते हैं, बेटर रेट्स देते हैं। एक्सचेंज के थ्रू करने पे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था, वो ज़्यादा रेट पे करने को रेडी थे कि आज मैं एक्सचेंज जा रहा हूँ और वहीं से ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। इनफैक्ट अगर एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर लोकेलिटी में, हर मॉल में आपको एक्सचेंज जरूर मिल जाएगा, क्योंकि लुलू सबसे पास में था मेरे घर के, इसलिए मैंने लुलू जाने का फैसला किया ट्रांसफ़र के लिए। आपको बता दूँ, हाइपर मार्केट या लुलू सुपर मार्केट यूएई में, पूरे यूएई में इसके टोटल 201 ब्रांचेज हैं। आप चाहे किसी भी एक्सचेंज में जाओ, प्रोसीजर एंड जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो बिल्कुल सेम होती है। आप जब मनी एक्सचेंज काउंटर पे जाते हो तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपको अपने सारे डिटेल्स, जहाँ पे आपको पैसे भेजने हैं उस कंट्री का नाम, उस बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स डालने होते हैं, और फिर आपको पैसे और साथ में वो फॉर्म हैंड ओवर करना होता है। एंड दैट्स इट, इट्स ऑल डन विद इन 24 to 48 hours, वो पैसे आपके अकाउंट में पहुँच जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।